जो छात्र आईटीआई में टैबलेट के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं मिलें उनके लिए एक मेरा निवेदन है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे ईकेवाईसी जरूर करा लें। तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे digishakti.up.gov.in, तो यहाँ पर आएगा मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ईकेवाईसी। तो इस पर क्लिक करके आप लोग जो है अपना ईकेवाईसी जरूर करा लीजिएगा, जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बना दिया है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को इनरोलमेंट नंबर कहाँ से निकालें। तो हालांकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया है पहले भी कि ये चीज़ जो है आपको अपने कॉलेज से मिलेगी। अब बहुत सारे जगह कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो ये समस्या जो है मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज में कहाँ से वो जो है एनरोलमेंट नंबर वगैरह मिलता है, कहाँ से निकलता है, उस सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं, आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता रहूं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये डीजी शक्ति की लिस्ट है। अगर आप इनरोलमेंट नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो जो भी आपका कॉलेज का कोड होता है, SCVT कोड होता है, किसी का 305 होगा, किसी का 470 होगा, किसी का 031 होगा, किसी का 001 होगा। तो जो भी SCVT कोड है उससे ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये वाली जो एनरोलमेंट नंबर है ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। कॉलेज में दो जगह पे इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो उनसे बोलिएगा SCVT का जो पोर्टल होता है वहाँ से मिल जाएगा, दूसरा डीजी शक्ति का जो पोर्टल है उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड से ये लिस्ट पूरे कॉलेज की डाउनलोड हो जाती है और उसमें जो है हर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होता है। तो कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो आप उनसे बोलिएगा डीजी शक्ति पोर्टल पर जो लिस्ट होती है कॉलेज के बच्चों का डेटा होता है वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर होता है, वहाँ से देख के दे दीजिए। या फिर SCVT पोर्टल पर भी स्टूडेंट का जो प्रवेश वाला सेक्शन होता है, एडमिशन वाला सेक्शन होता है, वहाँ पर भी इनरोलमेंट का जो है डेटा होता है, तो वहाँ से भी देख के वो लोग बता सकते हैं। तो ऐसे आप लोग बोलेंगे तो कॉलेज वालों को भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि यहाँ से ये चीज़ें निकाल के आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं कि अब आप लोगों को इनरोलमेंट नंबर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मेन प्रॉब्लम बच्चों की इसी में होती है। और इनरोलमेंट नंबर आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी प्रकार से आप ऑनलाइन नहीं निकाल सकते हैं, ये कॉलेज से ही आपको मिलेगा और कोई तरीका नहीं है। तो आपको कॉलेज से हेल्प लेनी पड़ेगी। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।